बाजार में लगातार पांचवें दिन तेजी देखने को मिली। निफ्टी 24,800 के पार निकलता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर कारोबार करता हुआ नजर आया। रियलिटी, एफएमसीजी और कंजम्पशन स्पेस में तगड़ा एक्शन देखने को मिला। आज बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसके साथ ही फर्टिलाइजर शेयरों में धमाकेदार तेजी रही। आरसीएफ, एनएफएल और एफएसीटी के शेयर 5-8% तक दौड़े। मद्रास, नागार्जुन और चंबल फर्टिलाइजर में भी अच्छी खरीदारी देखी गई। इधर डीलर्स ने आज टीवीएस मोटर्स और पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों में दाव लगाने की राय अपने क्लाइंट्स को दी। टीवीएस मोटर्स सीएनबीसी आवाज के यतिन मोता ने डीलिंग रूम्स के सूत्रों के हवाले से कहा कि आज डीलर्स ने ऑटो सेक्टर के शेयर में तेजी करवाई है। डीलर्स ने टीवीएस मोटर्स के शेयरों में खरीदारी करने की राय अपने क्लाइंट्स को दी है। डीलर्स की इस शेयर में बीटीएसटी की सालाना यानी कि आज खरीदने और कल बेचने की सलाह दी है। डीलर्स का कहना है कि शेयर में फ्रेश खरीदारी हुई है। इसका ओआई 2% बड़ा है। डीलर्स के मुताबिक इसमें 2740 से 2750 रुपए का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। दूसरे स्टॉक के रूप में डीलर्स ने आज बैंकिंग सेक्टर के शेयर में बुलिश राय दी। यतिन मोता ने कहा कि डीलर्स ने पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों में खरीदारी करने की राय दी है। डीलर्स की इसमें पोजिशनल खरीदारी की सलाह है। डीलर्स का कहना है कि घरेलू फंड्स की तरफ से पीएसयू बैंकों में खरीदारी हुई है। डीलर्स के मुताबिक ये शेयर 125 से 135 रुपए के लक्ष्य तक चढ़ सकता है। शेयर में डिस्काउंट पर ब्लॉक डील की खबरें सामने आ रही है।